हेलो दोस्तों मैं हूं कोमल नाहटा और आप देख रहे हैं ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस योर मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर द लेटेस्ट इन द बिजनेस ऑफ़ वेल हमारे रेगुलर व्यूअर्स को आज इस शो में कुछ अलग नजर आया होगा और वो इसलिए क्योंकि हम आपके सामने एक नए अवतार में हाजिर हुए हैं दोस्तों अब आप से आपका ये ट्रस्टेड शो रिलायबल शो आपका फेवरेट शो एक नए अंदाज में आपके सामने पेश होने वाला है वी आर शिफ्टिंग इन टू अर गियर दैट इज टू से आज से देर विल बी मोर डिटेल्ड डिस्कशन मोर डिटेल्ड एनालिसिस एंड एप्सल्यूटली ऑथेंटिक एंड वेरिफाइड ट्रेड इंफॉर्मेशन ये मेरा यानी इस शो के होस्ट का आपको यानी हमारे प्रिय व्यूअर्स के लिए एक कमिटमेंट है और ये जो नया सेट आप देख रहे हैं that's just a small token of our commitment. तो दोस्तों, आइए एक नई शुरुआत करते हैं और आपका और हमारा जो रिश्ता है उसे और भी मजबूत करते हैं आज सोमवार है और सोमवार को हम वीकेंड बिजनेस की बातें करते हैं द बिजनेस ऑफ द फिल्म रिलीज ऑन द प्रीवियस फ्राइडे तो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट ऑफ द फिल्म रिलीज ऑन फ्राइडे फ्राइडे को वैसे तो ढेर सारी फिल्में रिलीज हुई थी लेकिन तीन फिल्म स्टूड आउट एंड देवर चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस आई एम कलाम एंड आगाह द अफसोस कोई भी फिल्म इन तीनों में से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक नहीं जमा पाई द कलेक्शन एप्सल्यूटली डिसमिल तीनों को शुरुआत बहुत ही कमजोर मिली एंड एज द डेज प्रोग्रेस्ट फ्राइडे सैटरडे संडे कलेक्शन डेंट्रियली पिकअप टू मच चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस लोगों को ऐसे लगा था इट्स बेस्ड ऑन अ वेरी पॉपुलर टेलीविजन सीरियल और इसलिए कॉमेडीज का दौर है और ये भी कॉमेडी फिल्म है कॉमेडी सीरियल था कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हो गए थे तो लोगों को लगा था डेफिनेटली ये फिल्म कुछ तो कर पाएगी बट नहीं टीवी सीरियल की बात फिल्मों की बातों से बहुत अलग होती है एंड द पीपल ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिजेक्टेड इट बिकॉज शुरुआत भी कमजोर थी और उसके बाद माउथ पब्लिसिटी के कारण फिल्म पिकअप भी नहीं हुई दैट इज टू से द पीपल डिड नॉट लाइक दिस एम एक्टर फिल्म जी हां टीवी सीरियल में वो कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए थे लेकिन शुक्ला जी पांडे जी एक्सेट्रा लेकिन जब फिल्म की बात हुई द पीपल सेड नो दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फिल्म इसके पहले खिचड़ी सीरियल जो आता था दैट वॉज ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू अ फिल्म एज खिचड़ी द मूवी दोनों सीरियल्स की और दोनों फिल्मों की यह बात थी कि वो भी सीरियल कैरेक्टर्स सेम थे लेकिन फिल्म जब बनी नया स्क्रीन प्ले लिखा गया इस फिल्म में भी यही बात है कैरेक्टर्स ऑफिस ऑफिस के हैं लेकिन जो स्क्रीन प्ले है चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस का वो कंप्लीटली अलग स्क्रीन प्ले है प्रॉबेबली द पीपल डेंट इवन लाइक दैट कभी कभी कुछ चीजें घर बैठे देखने को मजा आता है क्योंकि फ्री एंटरटेनमेंट है जब पैसा दे के आपको फिल्म देखनी पड़ती है यू बिकम मोर डिसर्निंग एंड चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस के साथ भी वही हुआ किरदार भले ही पसंद आए फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई एम कलाम बच्चों की फिल्म थी प्रोड्यूसर्स ने कुछ स्कूल के साथ टाइप जरूर किया वहां पर जैसे दिल्ली शहर में वहां पर कलेक्शंस अच्छे थे लेकिन जहां टाइप नहीं हुआ द कलेक्शन व डिसमिली पुअर वो फिल्म भी सैटरडे और संडे को पिकअप नहीं कर पाई एंड द थर्ड फिल्म आगाह द वॉर्निंग वॉज इक्वली बैड प्रॉबेबली द वर्स्ट ऑफ द लॉट बिकॉज उस फिल्म को भी शुरुआत नहीं मिली पिकअप भी नहीं हुई पीपल वर नॉट एबल टू डिसाइड वेदर दे वॉचिंग टेररिज्म फिल्म और अरर फिल्म लेकिन दुख की बात अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ना ही टेरर और ना ही हॉरर ऑडियंस को डरा पाए एंड देर फॉर द फिल्म रिमेंड पुअर एट द बॉक्स ऑफिस तो ये तीन फिल्में जब इतनी पुअर फेयर की एंड द अदर स्मॉल रिलीजे व इवन वर्स तो डेफिनेटली बेनिफिट किसको गया दो फिल्मों को सिंघम एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जी हां सिंघम इन इट्स थर्ड वीकेंड ऑल्सो डिड मच बेटर बिजनेस देन ऑल दीज फिल्म एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का चौथा वीकेंड भी काफी ठीक ठाक रहा सिंघम कलेक्टेड अबाउट वन एंड हाफ क्रोर ऑन फ्राइडे टू एंड हाफ क्रोर ऑन सैटरडे एंड अप्रॉक्सिमेटली थ्री एंड हाफ टू फोर क्रोर ऑन संडे यानी इट अ वीकेंड ऑफ साढ़े सात या आठ करोड़ अच्छी अच्छी फिल्में जो छोटे बजट की होती है उनका वीकेंड साढ़े सात करोड़ का पहला वीकेंड भी नहीं होता है और इस फिल्म का थर्ड वीकेंड एंड हाफ टू करोड़ सिमिलरली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का फोर्थ वीकेंड पहले दिन यानी फ्राइडे को कलेक्शन हुए एक करोड़ के सैटरडे को दो करोड़ के एंड संडे को इट वेंट अप टू अप्रोक्सिमेटली थ्री करोड़ विच नेट वीकेंड ऑफ अबाउट सिक्स करोड़ दैट मीनस टू फिल्म दट आर रियली रूलिंग द रूस्ट एट द बॉक्स ऑफिस ये दो फिल्में हैं सिंघम एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सिंघम इज ऑल सेट टू टच दी फाइव करोर मार्क इन दिस थर्ड वीक एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऑल्सो शुड क्रॉस दी करोर फिगर इन वीक। तो ये तो थी अच्छी खबर इंडस्ट्री के लिए सिंघम और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अभी भी इतना अच्छा बिजनेस कर रही है बट फ्रॉम दिस हैपी न्यूज लेट्स शिफ्ट टू सम राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड की फिल्म कोई भी मल्टीप्लेक्सेज में रिलीज नहीं हुई आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्स नेशनल मल्टीप्लेक्स चेंस इनमें से किसी मल्टीप्लेक्स ने यह फिल्म नहीं शो की और शो नहीं कर रहे हैं यह मल्टीप्लेक्सेस बिकॉज वही पुराना झगड़ा शेयरिंग टर्म्स रेवेन्यू शेयरिंग टर्म्स को लेके आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले जब हैरी पॉटर रिलीज हुई थी वॉर्नर ब्रदर्स द हॉलीवुड स्टूडियो जिसने ये फिल्म इंडिया में रिलीज की है एंड बनाई है दे गॉट इनटू अ स्पैट विद द मल्टीप्लेक्सस मल्टीप्लेक्सस ने कहा कि जितना हिंदी फिल्मों को हम नेट कलेक्शंस में से हिस्सा देते हैं फर्स्ट वीक में 50% सेकंड वीक में 42 एंड 1/2% उतना हम आपको नहीं दे सकते हैं हॉलीवुड स्टूडियोज को अंग्रेजी फिल्मों को और उनके हिंदी डब्ड वर्जन को इससे कम रेवेन्यू मिलेगा बहुत झगड़ा हुआ एंड फियर यह था कि हैरी पॉटर कोई भी मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं हो पाएगी बट एट द इलेवेंथ एट द लास्ट मोमेंट सेटलमेंट हुआ और सेटलमेंट भी कैसा हुआ यह सेटलमेंट हुआ कि रेवेन्यू शेयरिंग टर्म्स हम बाद में डिसाइड करेंगे हम आपकी फिल्म रिलीज कर लेते हैं रेवेन्यू शेयरिंग टर्म्स विल बी डिसाइडेड ओनली फ्टर द नेक्स्ट फोर फिल्म नेक्स्ट फोर हॉलीवुड फिल्म जो होती है उन्हें हम जो देंगे वही हम आपको भी देंगे खैर हैरी पॉटर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया उसके बाद बड़ी जो फिल्म हॉलीवुड की रिलीज हुई वो थी राइज ऑफ द प्लैनट ऑफ द एप्स विच गॉट रिलीज लास्ट फ्राइडे और उसके साथ भी वही टेंशन हुआ छह मल्टीप्लेक्स चेंज जो है नेशनल मल्टीप्लेक्स चेंज उन्होंने हॉलीवुड स्टूडियो को कह दिया कि वी विल नॉट बी एबल टू डिश आउट फिफ्टी परसेंट ऑफ द नेट रेवेन्यू टू यू हिंदी फिल्मों को हम देते हैं लेकिन हॉलीवुड फिल्मों को हम इससे कम देंगे 45 परसेंट देंगे ऑब्वियसली द स्टूडियो डिड नॉट एग्री एंड इसलिए उनमें हो गई अनबन और अनबन ऐसी हुई कि दोनों जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है एक तरफ मल्टीप्लेक्सेज दूसरी तरफ हॉलीवुड स्टूडियो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स बोथ ऑफ देम रिफ्यूज टू बज फ्रॉम दिय ऑप्शन इट स्टैंड ट्वेंटियथ सेंचुरी फॉक्स मेड इट क्लियर कि अगर हमें 50 परसेंट फर्स्ट वीक में नहीं मिलता है एंड लाइक वाइस सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक में जो भी आप हिंदी प्रोड्यूसर्स को देते हैं वो अगर आप हमें या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं देंगे तो इट्स वेरी क्लियर हम ये फिल्म आपके मल्टीप्लेक्सेज में रिलीज नहीं करेंगे एंड मल्टीप्लेक्स ने भी ये तय कर लिया कि अगर आप कम रेवेन्यू एक्सेप्ट नहीं करते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्क्रीनिंग योर फिल्म ये फॉर दिस फिल्म राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स एंड हिंदी वर्जन हिंदी डब वर्जन राइज ऑफ द एप्स विनाश का आरंभ ये दोनों फिल्में कोई भी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेंज के प्रॉपर्टीज में रिलीज नहीं हुई of course, इसे विनाश का आरंभ तो नहीं कह सकते हैं लेकिन डेफिनेटली एक क्वारल से यह वॉर में बदल रहा है एंड दिस इज द ऑफ अ वॉर इट्स सैड जून को जो प्रोड्यूसर्स और मल्टीप्लेक्सेस के बीच में दो साल का एग्रीमेंट था अबाउट द रेवेन्यू शेयरिंग टर्म्स ये टू जून 2011 को खत्म हो गया बट द इंडस्ट्री लीडर्स सीम टू हैव नो टाइम एक बार टेबल पर बैठ के हमेशा के लिए फैसला कर ले ना सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों के लिए बट बॉलीवुड फिल्म्स के लिए भी बिकॉज आए दिन बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन द वन हैंड एंड ये छह मल्टीप्लेक्स चेन्स ऑन द अदर हैंड दैट इज सिनेमैक्स फेम आइनॉक्स, बिग एंड फन ये छह नेशनल मल्टीप्लेक्स चेंज का हमेशा आए दिन आए हफ्ते झगड़े होते रहता है एंड थर्टीथ जून 2011 को अगर कोई एग्रीमेंट खत्म हो गया है इट्स हाई टाइम आर इंडस्ट्री लीडर्स सेट डाउन अक्रॉस द टेबल एंड डिस्ट आउट एग्रीमेंट बिकॉज उस एग्रीमेंट बिना हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया झगड़ा और कुछ ना कुछ नया टेंशन होगा ही होगा तो इट्स हाई टाइम द इंडस्ट्री लीडर्स वो अप एंड डेफिनेटली सैट अक्रॉस द टेबल बिकॉज जो इंडस्ट्री का झगड़ा है उससे पब्लिक क्यों अफेक्ट होनी चाहिए उससे पब्लिक को क्यों फर्क पड़ना चाहिए पब्लिक नीड्स इट्स डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नीड्स दैट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट इन द फॉर्म इन द फॉर्मैट एंड इन द स्टाइल दे आर यूज टू दोस्तों ये इतनी पैशनेट अपील इसलिए थी बिकॉज यहां पर यह ऐसा झगड़ा है यह ऐसी लड़ाई है जहां पर सारे लोग जो इन्वॉल्व है उनका नुकसान ही हो रहा है कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जहां पर एक पार्टी का फायदा होता है तो दूसरे का नुकसान होता है यहां पर तो तीनों पार्टीज द मल्टीप्लेक्स द प्रोड्यूसर्स दैट इज द हॉलीवुड स्टूडियो एंड द पब्लिक एवरीबडी इज लूजिंग और ऐसे झगड़े का क्या फायदा जिसमें सारी पार्टीज लॉस कर रही है खैर दोस्तों ये तो था अ वेरी वेरी सीरियस इश्यू दैट इज प्लेगिंग द फिल्म इंडस्ट्री